प्याज किचन शो में आपका स्वागत है। आज हम भिंडी दो प्याजा बनाएंगे। यह खाने में बहुत टेस्टी लगती है। यह आपके घर में सभी को पसंद आएगी। इसके लिए हम गैस पर कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें हम सरसों का तेल 3 टेबल स्पून डालेंगे। इसके लिए मैंने 1/2 kg भिंडी को धोकर पोंछकर काट के रख लिया है और 250 ग्राम प्याज को चकोर शेप में काट के रख लिए हैं। और अब हम इसमें भिंडी डालेंगे और भिंडी को हल्के हाथों से हम चलाएंगे ताकि भिंडी टूटे ना। और भिंडी काटने से पहले इसे पोंछ लें, इससे इसका लसलसापन नहीं आएगा। इसे हम रुक रुक कर हल्के हाथों से चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक भुनेंगे। अब हमारा भिंडी भुन चुका है तो इसमें जो चकोर काटा हुआ प्याज है इसे हम डालेंगे और इसे भी हम हल्के हाथों से भुनेंगे। भिंडी और प्याज दोनों भुन चुका है, इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि प्याज को हमको करंची रखना है। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसके लिए उसी कढ़ाई में हमने 2 टेबल स्पून तेल डाला है, सरसों का तेल, 5 फोरन, हींग से तड़का दिए हैं, 2 हरी मिर्च को चीरा लगाकर डाल दिए हैं। अब बारीक कटी हुई प्याज इसमें डालेंगे और इसे ब्राउन होने तक भुनेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज अब अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मसाले हम ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसे हम अच्छे से भुनेंगे। इसका कच्चापन हट जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा का पेस्ट बनाकर डाला है। और अब हम यहाँ पर सूखे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डालकर अच्छे से हम इसे भूनेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने किचन किंग मसाला डाला है। अब इसे हम अच्छे से तेल सेपरेट होने तक भूनेंगे। अब 3 चम्मच दही को फेंट के रखे हुए थे उससे इसमें हम डालेंगे और इसे लगातार हम चलाएंगे ताकि दही फटे ना। यहाँ पर मसाला अब अच्छे से भून चुका है। अब हम यहाँ पर कश्मीरी मिर्च डालेंगे, इससे सब्जी में कलर अच्छा आएगा। अब मसाला अच्छे से भून चुका है, तेल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम जो भिंडी और प्याज को भून कर रखे थे उसे इसमें डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मसाला में मिलाएंगे हल्के हाथों से ताकि भिंडी टूटे ना। और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अब 2 टमाटर चॉप करके इसमें हम डालेंगे और अच्छे से इसे भी हम भूनेंगे। टमाटर को ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब इसमें सूखा धनिया पाउडर डालेंगे। अब 1/2 कप के करीब पानी डालेंगे ताकि मसाला भिंडी एकसार हो जाए और इसे हम ढक कर कुछ देर के लिए दम करेंगे। अब सब्जी बनकर तैयार है और ये देखने में जितना खूबसूरत है खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और आपको सब्जी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब हम सब्जी को बाउल में निकालेंगे। इसे आप
रोटी, चपाती, राइस किसी के संग भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं सब्जी कितनी खूबसूरत दिख रही है और खाने में भी ये लाजवाब है। बच्चे इसे बहुत चाव के साथ पसंद करेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर आप बने रहें।